लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे धमनियों में कैसे बनता है प्लाक। मैं आपको बता रहा हूं इसे साफ करने के तरीके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा शरीर धमनियों से मिलकर बना होता है। धमनियां यानी आर्टरीज ऑक्सीजन और ब्लड को पूरी शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। ये मुख्य तौर पर हार्ट से ऑक्सीजन को शरीर के हर छोटे से बड़े अंग तक सप्लाई करता है। अगर धमनियों में किसी प्रकार की रुकावट आ जाए तो शरीर में ब्लड सप्लाई बाधित हो जाता है। यही नहीं, धमनियां पोषक तत्वों और कई हार्मोन्स को भी शरीर तक पहुंचाने में मददगार साबित होती हैं। कई बार धमनियों में बनने वाला प्लाक आपको हार्ट अटैक तक के खतरे में डाल सकता है। धमनियों में प्लाक बनने के कारण और इसे साफ करने के कुछ तरीके मैं आपको बता रहा हूं। तो धमनियों में प्लाक बनने के कारण क्या है, पहले ये जाने। धमनियों में प्लाक बनने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज होने पर धमनियां कई बार संकुचित हो सकती हैं, जिससे धमनियां ब्लॉक हो सकती हैं। लोकरोसिस, सैचुरेटेड फैट्स खाने और हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी ऐसा हो सकता है। धमनियों को साफ करने के तरीके, तो सबसे पहले सैल्मन खाएं। सैल्मन खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें मिलने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड धमनियों को संकुचित होने से बचाने के साथ सूजन को भी कम करने में मदद करता है। इसे सीमित मात्रा में खाना हार्ट के लिए भी फायदेमंद होता है। फर्मेंटेड फूड्स खाएं। धमनियों में प्लाक निकालने और इसे साफ करने के लिए आप फर्मेंटेड फूड का सेवन कर सकते हैं। इसमें विटामिन K2 और प्रोबायोटिक्स पाया जाता है, जो धमनियों में जमा गंदगी और कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। सलाद खाएं। धमनियों को साफ रखने के लिए आपको अपनी रेगुलर डाइट में सलाद शामिल करना चाहिए। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं जो धमनियों को साफ रखने में मददगार होते हैं। इसके लिए आप पालक, ब्रोकली, खीरा, साग का सलाद बनाकर उसके ऊपर मेथी और वर्जिन ऑलिव ऑयल मिला सकते हैं। इसमें हार्ट दुरुस्त रहता है, साथ ही धमनियां भी साफ रहती है। धमनियों को साफ करने के लिए नियमित तौर पर एक्सरसाइज और प्राणायाम करें। इसके लिए आपको कार्डियो, एरोबिक्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रनिंग जैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे न केवल धमनियां साफ होंगी बल्कि शरीर में जमा चर्बी भी आसानी से पिघलेगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। धन्यवाद।